वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस चैनल सृजेश एकडमी हियर टुडे वी टूडे डिस्कस अबाउट डायस्टेरिओमर्स व्हिच इज अल्सो रिलेटेड विथ एस्टेरि आइसो मर्स अब यहाँ इनेमर जस्ते डाएस्टेरियोमर एटा टर्म अनि यो छो डाएस्टेरियोमर के होता डिफिनेशन दिफ, लेखक द एस्टेरियो आइसोमर्स विच आर नट द मिरर इमेजेस अफ इच अदर आर कोल्ड डाय एस्टेरियो मर्स इनस्युमर्समा हामी के पढ्यौँ इनन्स्युमर्सहरू के हुन्छन् एकअर्काको मिरर इमेज हुन्छ र त्यो नन सुपर इम्पोजिबल हुन्छ त्यति कुरा हामी गऱ्यौँ त्यसको ठिक अपोजिट टर्ममा लेखेको छ यहाँ डायएस्टेरियोमरहरू जुन चाहिँ त्यो मिरर इमेज नै हुँदैनन् त्यस कारण त यहाँ सुपर इम्पोजिबिलिटीको र नन सुपर इम्पोजिबिटीको पुरै आउँदैन वे द आइसोमर्स विच आर नॉट द मिरर इमेजेस ऑफ इच अदर आर कॉल्ड डाइस्टेरिओ मर्स अब यहाँ अब जैसे अब यो के यह लिखे अब यो टर्टारिक एसिड यो टर्टारिक एसिड का आइसोमर अब यहाँ यो वन टू छी फोर छर्स्ट सैकेंड थर्ड रोर्थ ये सब टर्टारिक एसिडको तो आइसोमर अनि अब यसलाई र यसलाई हेर्दाखेरि वान र टूलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ यसको यो मिरर इमेज छ यो को, यो कम्पाउन्डको यो मिरर इमेज छ र यिनीहरू नन सुपर इम्पोजिबल छन् त्यस कारण यो वान र टू के भयो यो वान एन्ड टू जुन छ वान एन्ड टू जुन छ त्यो के भयो इनएन सियो मर इनएनसियो भयो कुरो छ यहाँ फेरि डाइएस्टर युमरको अनि अब यहाँ थर्ड र फोर्थलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ यो थर्ड जुन छ यो थर्ड थर्ड जुन छ र फोर्थ जुन छ यिनीहरू के छन् यो फेरि के अरे यो मिरर इमेज हुन् यिनीहरू त्यस अब यसमा अर्को रिलेसन पनि छ तर यसलाई अहिले यतिकै कुरा हामी गरौँ यो थर्ड र फोर्थ जुन छ नि त्यो के छन् यो मिरर इमेजै छन् त्यसकारण थर्ड र फोर्थ पनि के छन् नि इनएन स्युमर नै भए इनएन स्युमर भयो अब डाइस्टोरियुमर के अने यहाँ अब यो अरु कुराले विचार नगर्ने यो थर्ड र फोर्थ भाई? थर्ड एंड फोर्थ आर अल्सो द एक्जापल्स अफ इन एन अनि अब यहाँ लेखे डाइस्टोरियुमर को डाएस्टोरियुमर तो के जो मिरर इमेज होते अब एक एक रा वन रा थ्री लाई कंपेयर कर दे केरी वन रा थ्री जुन आइसोमर्सा इन्हरू एक रक्का को मिरर इमे, मिरर इमेज तो होइनन तेस कारण यो वन कंपाउंड रा थर्ड जुन कंपाउंड शा यो वन वन एंड यो थर्ड जुन शा तो के भाइयों डाई स्टेरियोमर भाइयों वन र थ्री के भाई एस्टर युमर भिन्हीं एक अर् को मिरज इमेज हम हो ठीक यो वन र फोर्थ को कुछ तो वन रोर्थ तो मिरर इमेज होना कारण वन रोर्थ पर वन एंड फोर्थ के भाईस्टर युमर भो ठीक र थर्ड को सेकेंड रड यो सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड र थर्ड पनि मिरर इमेज होइन त्यसकारण इनीहरु पनि के भए डायस्टेरियोमर भए त्यसकारण अनि फेरि त्यसै यो सेकेंड र फोर्थ जुन छ इनीहरु पनि त मिरर इमेज होइनन् त भनेपछि यो सेकेंड यो सेकेंड एंड यो फोर्थ जुन छ तिनीहरु पनि के भए त डायस्टेरियोमर्स भए तो डिफिनिशन के द एस्टेरियोमर्स विच आर नट द मिरर इमेजेस अफ इच अदर आर कोल्ड डायस्टेरियोमर्स र त्यो इक्जाम्पलबाट त्यो कुरा चाहिँ क्लियर छ अब अब यसको प्रोपर्टिजको कुरो छ अब यहाँ डायस्टेरियोमरहरूका प्रोपर्टिज के के हुन्छन् अनि यहाँ लेखेको छ सिमिलर केमिकल प्रोपर्टिज लेखेको छ डाइस्टोरिमर को प्रोपर्टी के होता सीमिलर हो जैसे डाएस्टोरिमर एक कोई अब योग री जो डाइस्टोरिमर बिकज दे आर नट द मिरर इमेजेस अफ इचर अब यह कंपाउंड को जो प्रो केमिकल प्रोपर्टी तो थर्ड वाला कंपाउंड को वाला जो आइसोमर इसको प्रोपर्टी पनी के हुँछा, सेम केम हो कई में फंक्शनल ग्रुप सेम होनी फंक्सनल ग्रुप ले केमिकल प्रोपर्टी डिटर्माइन कर यहाँ के डायस्टोरियोमर के के को जो केमिकल प्रोपर्टी तो सीमिलर होने लिखे अब यहाँ लेखे जेनेरली जेनेरली द रेट द रेट अफ रिएक्शन्स अफ टू डाइस्टोरियोमर्स विथ अ गिभेन रिएजेंट आर डिफ्रेंट भाई अब दुटा यो डिफ्रेंट डाइस्टोरियोमर में कुछ हमें एट रिएजेंटसंग हम रिएक्शन कराने तो के हो रेट अफ रिएक्शन के प्राय हो तो के हो फरक फरक अेट ऑफ रि डाइस्टोरियोमर को रेट अफ रिएक्सन के होता कोटिकुलर रि एजेंटसंग फरक होता कंबर टू फिजिकल प्रोपर्टी संग संबंधित डाइस्टोरियोमर को जो फिजिकल प्रोपर्टी हो डिफ्रेंट हो जैसे यहाँ लेखक हेविंग डिफरेंट फिजिकल प्रोपर्टी लाइक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सोलुबिलिटी डेन्सिटी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इट अब जैसे सपोज अब यो वन र थ्री तो डाएस्टेरियोमर अब ये इसको मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के होता फरक होता इसको बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फरक होता इसको डेन्सिटी रेन्सिटी के होता फरक हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होता तो फरक होटरिमर को फिजिकल प्रोपर्टी के होता तो फरक होनी तेसरों कुरु जो लेखक डिफर इन ए स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ लेखे डिफर इन स्पेसिफिक रोटेसन एस्पे स्पेसिफिक रोटेसन हमें ठा भईस और यहाँ अगड़ी हमी स्पेसिफिक रोटेशन को भिडियो भिडिओ बनाया छो रो चैनल में तो एभालेबल छह अब यहाँ कसो यहाँ लेखे डिफर इन स्पेसिफिक रोटेशन पी प्रत्येक अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को स्पेसिफिक रोटेशन अब हो स्पेसिफिक रोटेशन फरक हो स्पेसिफिक रोटेशन के रोटेसन हो फरको इसमें ग डिफर इन स्पेसिफिक रोटेसन अर्क लेखक दे है सें ओर अपोजिट साइन अफ रोटेसन और समे बी अप्टिकली इन एक्टिव भरना बुझे दे हेव सेम औरजिट साइन अफ रोटेसन अमी डाई एस्टेरियोमर में अप्टिकली एक्टिव नहीं यहाँ सपोज ये अप्टिकली एक्टिव छोटे केप्टिकली एक्टिव छोटे स्पेसिफिक रोटेसन जो एंगर एंगल अफ रोटेसन जो तो, तो फरक हो फरक हो कुरा यो साइन को भाई अब डेक्सो रोटेटरी कि लिबो रोटेटरीलोक वाइज में रोटेट कर एंटी क्लोक वाइज में रोटेट कर तो यहाँ के बने देव सेम आवर अपोजिट साइन अफ रोटेसन यदि यो प्लस है प्लस होना यदि यो माइनस माइनस होना सर यो प्लस यो माइनस होना सोने यूर को जो रोटेशन को जो डिरेक्सन छ साइन लेखको फरक होना सब सेम हो अखब्छर समे बी अप्टिकली इन एक्टिव अ डाएस्टोरियुमर कोई डाएस्टोरियुमर अप्टिकली इनेक्टिव भी होना सकते अब यह कंपाउंड में मैं अगड़ी नहीं भनी सकते अरुरा हमें कंसिडर कर बुझने मत प्रयास कर रिनेसन अरुण यहाँ यहाँ अब जैसे यो जो कंपाउंड अप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड जो कंपाउंड के अप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड अब यह इसको डाइस्टोरियुमर तो अब यह डाइस्टोरियुमर से अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तर डाइस्टोरियुमर जो डाइस्टोर युमर कस क्यों क्योंकि इसको मिरर इमेज ये होना डाइस्टोरियुमर छफर्म अप्टिकली एक्टिव कंपाउंड तर योग जो कंपाउंड अप्टिकली इनेक्टिव कंपाउंड अब अप्टिकली इनेक्टिभ छ त्यो कुरा हामी कसरी भन्न सक्छौँ अब त्यो अर्को क्लासमा हामी यसको डिस्कसन गर् गर्नेछौँ तर एउटा सिम्पल कुरो यसमा प्लेन अफ सिमेट्री छ त्यसकारण यो जुन कम्पाउन्ड छ नि एसिम काइरल कार्बन भएर पनि के हुन्छ अप्टिकली इनेक्टिभ छ जे होस् यो जहाँसम्म प्रोपर्टिजको कुरो छ प्रोपर्टीमा के लेखेको छ डाएस्टेरियमहरूको स्पेसिफिक रोटेसन नहीं। two, जुन यो, uh, जुन तो फरक हो नंबर टू तेसम लेखे यूर को जो रोटेसन जो सें डिक्शन में होगा फरक डि डिक्शन में होगा कहीं डाएस्टेरियोमर जो तो अप्टिकली इनेक्टिव होना uh, सी चौथों जो तो धे इंपोर्टेंट प्रोपर्टी र रही दुईटा इनेंस्योमर एक इक्वल एमाउंट में एक, एक यो मिक्स uh, अब तिनी को अप्टिकल एक्टिविटी जो समाप्त भैया तो, तो मिक्सर कसो भैई अप्टिकली इन एक्टिव भैया जस हमें रेसमिक मिक्सर मोडिफिकेशन रेसमिक मोडिफिकेसन भो तो रेसमिक मोडिफिकेशन अब तो इनस्यूमर सेपरेट कर सबभा पैला के तो इनस्युमर डाइस्टोरियुमर में चेन्ज कर अब क्या चेन्ज कर डाएस्टोरियुमर को फिजिकल प्रोपर्टी के होता तो फरक फरक हो फरक फरक हो तो रो फिजिकल प्रोपर्टी फरक फरक फरको डिफ्रेन्ट टेक्निक यूज करो सेपरेट कर सकता जस्ट यहाँ यो दे कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक्स लाइक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेसन अब फ्रैक्सनल क्रिस्टलाइजेसन टेक्निक कस्ट तो वस्तु ल हम सेपरेट कर सकते जिस सोलुबिलिटी के होता फरक फरक होता जिसक सपोज अब एवटे मिक्चर में डिफ्रेन्ट सोल सुलू, सोलुबिटीज भाग कंपाउंड सब्सटेस फ्रैक्सनल क्रिस्टिलाइजेसन करी के करना सकता सेपरेट कर सकता अभी डायस्टेरियोमर को ये केंद्र सोलिब्लिटी के होता तो फरक फरक होसकार इस फ्रैक्सनल क्रिस्टिलाइजेसन हमी अलग करना सकता लेखे फ्रैक्सनल डिस्टिशन सेपरेट कर सकता कें फ्रैक्सनल डिस्टिलेसन कहाँ हम अप्लाई कर एवटे मिस्सर में भैया कंपाउंड को बोइलिंग पोइंट क्या होता फरक 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 तो यहाँ माथि हमारे करोइलिंग पोइंट फरक फरक होता हुई फ्रैक्शन डिस्टिनेशन बापरेट कर सको लेखे क्रोमैटोग्राफी अब कसो हो रिएजेन्टसंग यदि डिफ्रेन्ट रेट में रिएक्सन चबी यो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक प्राय हमी यूज कर यो डाएस्टरियुमर जुन छ इनेन्स्युमरहरूलाई त्यसको रेसमिक मोडिफिकेसनबाट सेपरेट गर्नु पऱ्यो भने केमा चेन्ज गरिन्छ त्यसलाई डायएस्टर युमरमा चेन्ज चेन्ज चाहिँ गरिन्छ यही छ यो डायएस्टर युमरको बारेमा र डायएस्टर युमरको के अरे केमिकल प्रोपर्टिजको र फिजिकल प्रोपर्टिजको बारेमा अब एउटा कुरो यसमा यो एड गरौँ जस्तै यो नंबर अफ काइरल कार्बन एंड नंबर अफ एस्टेरिओ आइसोमर्स जस्त अब यह टर्टारिक एसिड है ये टर्टारिक एसिड से टर्टारिक एसिड कोई हमें चार वटा आइसोमर्स हम लेख अब ठीक है इसमें ये चार वटा आइसोमर पोसिबल तर इसमें तीनटा मत हो अब तो यहाँ कोई प्रसंग होना तो जहाँ आवश्यक हो डिकसन कर अ અભ્યાસ શું છે નંબર ઓફ કાયરલ કાર્બન નંબર ઓફ કાયરલ કાર્બન નંબર ઓફ કાયરલ કાર્બન એન્ડ નંબર ઓફ સ્ટેરિયો આઇસોમર સ્ટેરિયો આઇસોમર હવે જો સે લેક્ટિક એસિડ નું કુરૂ છે અબ અહીં H છે OH છે અને CH3 છે અને યો COOH છે अब इसमें काइरल कार्बन कति एटा फर्मुला के होता नंबर अफ एस्टेरिओ आइसोमर्स इज इक्वल टू 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 पावर एन नंबर अफ एस्टेरिओ आइसोमर्स इज इक्वल टू 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 पावर एन जहाँ वेयर एन को नंबर अफ काइरल कार्बन नंबर अफ काइरल कार्बन, नंबर अफ काइरल कार्बन, अब जैसे इसमें काइरल कारबन कैंटा एवटा अनि भनेपछि त एनको भेल्यु कति भयो वान भयो त यहाँ टु टु दि पावर वान भनेको कति भयो टु भयो यसको अर्थ भयो लेक्ट्रिक एसिडको लागि नम्बर अफ एस्टेरि आइसुमर्स कतिवटा पोसिबल हुन्छ दुइटा दुईवटा पोसिबल हुन्छ अब जस्तै हामी योभन्दा अगाडि हामी कुरा गरिसकेका छौँ अब जस्तै यो जस्तै यहाँ यसको मिरर इमेज कस्तो हुन्छ यहाँ सिएच थ्री भइहाल्यो यहाँ सिओओओ एच भइहाल्यो अनि यहाँ एचओ अनि के भयो यहाँ एच भयो बने यो अब्जेक्ट है मिरर इमेज भो तो एटा आइसोमर भर्को आईसोमर चाहिए अब इसरी बाई काउंटिंग द नंबर अफ एसिमेट्रिक कार्बन और काइरल कार्बन वी कैन प्रिडिक्ड द नंबर अफ आई एस्टेरिओ आइसोमर्स पोसिबल ठीक तस्तः अब ये टर्टारिक एसिड जो दूस टर्टारिक एसिड को अब इसमें हम कतिवटा एस्टेरि आईसोमर लेखकर छो वन टू थ्री फोर टोटल हम चार वा लेख तेस में कायरल कारबन कती है एक एक दुई इसमें कायरल कारबन दुटा तोरल कारबन को अब यह फर्मुला के यो नंबर अफ एस्टेरियो आई सुमर इज्कवल टू 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 दी पावर एन जहाँ एन के नंबर अफ काइरल कायरल कारबन अ टू टू दी पावर एन को अर्थ भो यहाँ काइरल कार्बन कति है दुईटा तो टू टू दी पावर टू भो टू टू दी पावर कति कोर भारतीय कारण इसको नंबर अफ एस्टेरियुआई सुमर कती है तो फोर छ अनि यही अभी डाइस्टेरिमर को बारे में रेस्टेरिओमर को तो फिजिकल केमिकल प्रोपर्टिज को बारे में दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो